टू माई चैनल एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो. आज का वीडियो होने वाला है एक शॉपिंग हॉल. एंड नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी मेकअप, ब्यूटी और स्किन केयर. आज का हॉल होने वाला है एक क्लोथिंग हॉल. और सच्ची बताऊं, एक्चुअली मैं 2 माइंड्स में थी अगर मुझे ये हॉल बनाना चाहिए या नहीं. तो आज का ये जो हॉल है, अनफॉर्चुनेटली इन क्लोथिंग आइटम्स का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाल पाऊंगी, बिकॉज ये सारे गार्मेंट्स मैंने एक लोकल एग्जीबिशन से खरीदे. इसीलिए मैं सोच रही थी क्या मुझे ये हॉल बनाना भी चाहिए कि नहीं. बट लास्ट नाइट व्हेन आई वाज लुकिंग एट ऑल माय क्लोथ्स, आई वाज सो टेम्प्टेड एंड मैंने डिसाइड कर लिया कि यस, मुझे ये हॉल बनाना चाहिए. बिकॉज दीज क्लोथिंग आइटम्स आर वे टू ब्यूटिफुल टू नॉट शेयर इट विद यू गाइज. सो हियर आई एम मेकिंग अ क्लोथिंग हॉल. और ये क्लोथिंग हॉल होने वाला है एक कुर्ती हॉल, कुर्ता हॉल स्पेसिफिकली. मैंने अपने चैनल पे आई डोंट थिंक इससे पहले कभी एक स्पेसिफिक कुर्ता हॉल किया है. तो पिछले कुछ मिनट से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ इट्स अ क्लोथिंग हॉल, इट्स अ कुर्ती हॉल. तो अब आप लोगों को दिखाई ही देती हूँ. This is a small shopping that I did. और ये मेरी recent shopping नहीं है. I think मैंने 3 महीने पहले ये सारे कुर्ताज एंड कुर्तीज खरीद ली थी. एंड दे आर सो ब्यूटिफुल, द कलर्स आर सो समर अप्रोप्रिएट, सो पेस्टल कि मैं अपना मन ही नहीं बना सकी. इसीलिए मैंने एक स्टाइल में दो दो कुर्ते ले लिए. एंड दे आर सो प्रिटी. इन फैक्ट द कुर्ता दैट आई एम वेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट हॉल एंड आई थिंक इट इज जस्ट सो प्रिटी. इतना सूदिंग है टू द आईज. एंड मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है पिंक, ब्लू एंड व्हाइट. आई टोटली लव इट. सो समर अप्रोप्रिएट. एंड आई थिंक आजकल तो कुछ भी समर, विंटर, स्प्रिंग अप्रोप्रिएट नहीं है. जो कलर पहनने का मन जब भी हो पहन लेना चाहिए. सो ये जो कुर्ताज है मेरे पास करीब 3 महीने से थे एंड आई डिडंट एंड अप वेयरिंग इट. एंड अब बॉम्बे में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है. सो मैंने अपने कुर्ताज निकाल लिए हैं. दे आर अमेजिंग, दे आर ब्यूटिफुल. एंड अब बातें करती हूँ बंद, बिकॉज मेरा इंट्रो हर बारी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है. लेट्स गेट दिस हॉल स्टार्टेड. आप लोगों को हर कुर्ता दिखाते वक्त मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती रहूंगी. Let's get started. So, शुरुआत करते हैं with the kurta that I'm wearing. I absolutely love this piece and this was the very first piece जो मैंने उठाया था. I loved it so much. इसका color combination बहुत ही प्यारा है. पिंक बैकड्रॉप है और इसपे फिरोजी और स्काई ब्लू, डार्क ब्लू फूल बने हुए हैं. कंप्लीट थ्रेडवर्क है नेक एरिया पे विच गोज डाउन अ लिटिल बिलो योर चेस्ट अप टिल द नेवल. एंड फिर दामन में भी थ्रेडवर्क काफी किया हुआ है. ऐसे बड़े बड़े बुटीज बने हैं. कंप्लीट थ्रेडवर्क एंड दिस गिव्स यू द कंप्लीट लखनऊी चिकनकारी कुर्ता फील्स. एंड मैंने इसी वजह से इसको लिया था. ये जो कपड़ा है दिस इज 100% कॉटन विच आई एब्सोल्युटली लव. और मेरी जो स्किन है वो समर में इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि मुझे कॉटन ही पहनना पड़ता है. सो दिस इज जस्ट एप. और इसकी जो स्लीव्स है ये भी 3/4 स्लीव्स है. एंड स्लीव्स की एज पे ऐसा थ्रेड वर्क किया गया है और कुर्ते के बैक पे भी बहुत ही अच्छा सा थ्रेड वर्क दिया गया है. एंड वॉट आई रियली लाइक इज के ये थ्रेड वर्क बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है. इट इज जस्ट राइट, जस्ट द वे आई लाइक इट. दिस इज द फर्स्ट कुर्ता. एब्सोल्युटली love it and I'm looking forward to wearing it a lot this summer. पिछले 1 घंटे से मैंने इसे पहना हुआ है. बहुत ही comfortable fabric है, बहुत ही comfortable fit है. and बहुत हो गई अभी इस कुर्ते की तारीफ. बढ़ते हैं towards the next piece. चलिए जी, बढ़ते हैं towards the next कुर्ता. and it is exactly like the kurta that I'm wearing. सिर्फ color combination थोड़ा सा अलग है. it is a beautiful beautiful sea green color and इसके ऊपर coral and orange color के flowers बने हैं and बहुत ही उबर के आ रहे हैं. it's just मेकिंग द कॉम्बिनेशन सो ब्यूटिफुल. आई थिंक मैंने ये कॉम्बिनेशन पहले नहीं देखा है और ना ही मेरे पास ये कलर कॉम्बिनेशन मेरे वॉर्डरोब में है. सी ग्रीन एंड ऑरेंज, व्हाट अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. कुर्ते की जो लेंथ है बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हाइट के हिसाब से. ना ये मेरे घुटनों के ऊपर है और ना ही ज्यादा लंबा है. इट इज जस्ट राइट. इट इज अ स्ट्रेट फिट कुर्ता विच आई रियली रियली लव एंड इट्स फिटिंग माई बॉडी वेरी वेल. नेक पे बहुत सारा ये थ्रेड वर्क है विच इज कॉल्ड द लखनऊी थ्रेड वर्क and which goes a little below my navel and thodi si embroidery sleeves pe bhi hai
एंड बैक पे भी काफी अच्छा थ्रेड वर्क किया गया है, एब्सोल्युटली लव इट। और यहाँ पे कमीज के दामन पे भी दो बूटीज बनाई है, सो आई जस्ट रियली लव द फैक्ट दैट इसमें बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बहुत कम नहीं है, इट इज जस्ट राइट। आप इसको कैजुअली भी पहन सकते हो, अगर आपको इसको एकदम ड्रेस अप करना है तो थोड़े से हैवी ज्वेलरी पहन लीजिए, वैसे हम चंकी ज्वेलरी एंड अच्छा सा दुपट्टा ले लीजिए अ लिटिल हैवी, सो दिस एंटायर आउटफिट इज गोइंग टू लुक लाइक अ पार्टी आउटफिट। आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन माय माइंड, आई एम सो एक्साइटेड। चलिए अभी बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कुर्ता। सो द नेक्स्ट कुर्ता इज नॉट अ कुर्ती बट इट्स एक्चुअली लाइक अ अनारकली, बहुत ज्यादा घेर नहीं है बट दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। फर्स्टली गाइज द कलर, इसका कलर इतना ब्यूटिफुल है, इट्स अ स्काई ब्लू और इसके ऊपर जगह जगह पे ये फ्लावर्स बने हुए हैं, डार्क ब्लू एंड द ग्रीन लीव्स। इट्स अ प्रिंटेड फैब्रिक बट अगेन इट इज 100% कॉटन। और यहाँ का जो नेक का पैटर्न है थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे बटन की डिटेलिंग दी गई है जो कि इसी फैब्रिक की बनी है एंड गले पे अगेन पूरी एम्ब्रॉयडरी है द सेम थ्रेड वर्क। स्लीव के एज पे भी हल्की फुल्की सी ऐसी थ्रेड वर्क की एम्ब्रॉयडरी की गई है। इस कुर्ती के बैक पे भी अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी की गई है, लाइक यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ माई पाम। सो ये जो कुर्ती है इट इज बेसिकली एन अनारकली स्टाइल, तो ये चेस्ट तक एकदम फिटिंग में है एंड चेस्ट के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसी चुन है, सो थोड़ा सा घेर है, बहुत ज्यादा घेर भी नहीं है विच आई रियली लाइक। और फिर इस पूरे घेर पे जगह जगह पे छोटी छोटी ऐसी बुटियां बनाई गई है, दिस इज द थ्रेड वर्क। इस कुर्ते के भी पूरे दामन पे इतनी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी की गई है, एज यू कैन सी ये फूल पत्ते बने हैं, इट्स लाइक अ बेल। तो ये जो दामन है इस पूरे दामन में इफ यू कैन सी ऐसे पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है, इट लुक्स सो pretty। आप इसको पलाजो के साथ पहन सकते हो, यू कैन वेयर इट विद सिगरेट पैंट्स, यू कैन वेयर इट विद अ नाइस व्हाइट घाघरा स्कर्ट इनसाइड, यू कैन इवन वेयर इट विद जीन्स। आई थिंक दीज पीसेज आर सो वर्सेटाइल, आप इनको कई तरीके से स्टाइल कर सकते हो, एब्सोल्युटली लव इट। आई थिंक हर कुर्ते का डिस्क्रिप्शन देते वक्त मैं ये जरूर बोलने वाली हूँ कि इसका जो कपड़ा है ये इतना मुलायम है, द बेस्ट पार्ट इज आप इसको मशीन वॉश कर सकते हो, हैंड वॉश कर सकते हो, इसको कुछ नहीं होगा, इनको स्पेसिफिकली ड्राई क्लीनिंग की जरूरत नहीं है, सो दैट्स अ गुड पार्ट। And really, really excited to start wearing this and styling this. So the next piece also happens to be an anarkali style kurti, but the color combination is completely different. As you can see, this is a beautiful, beautiful color combination. Iska color combination itna pyara hai. Isko dekhke aisa lagta hai you're in a rose garden. At least that is what I felt that I'm walking in a rose garden. So is anarkali ka color combination bhi bahut pyara hai. It's a baby pink and iske upar ye fuchsia pink flowers hai with green leaves and it almost gives you the feel of bougainvillea flowers. Agar aapne bougainvillea flowers dekhe hain to wo dekhne mein kitne sundar lagte hain, they are bright pink, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके नेक पे काफी सारी एम्ब्रॉयडरी की गई है, देयर इज अ लॉट ऑफ थ्रेड वर्क, बहुत ही डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी है और यहाँ पे इसी फैब्रिक के ऐसे गोल बटन्स दी गई है, बट यू कैन नॉट ओपन इट, देयर जस्ट शो बटन्स, बट बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, टोटली लव इट। और इसकी स्लीव्स पे भी वही हल्की सी एम्ब्रॉयडरी की गई है एट द एज, और इसके बैक पे भी वही बुट्टी है एंड वही पैटर्न है जो मैंने आप लोगों को इससे पहले दिखाया था द ब्लू वन। तो ये पूरा चेस्ट तक फिटेड है एंड उसके बाद ये घेरा है, बहुत ज्यादा घेरा नहीं है बट इट्स जस्ट इनफ। फैब्रिक भी बहुत ही इजी ब्रीजी है और अगेन जगह जगह पे ये एम्ब्रॉयडरी की गई है, ऐसे बुटियां बनी गई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड पूरे दामन पे इफ यू कैन सी ये पूरा थ्रेड वर्क किया गया है, फूल पत्ते यानी कि एक बेल की एम्ब्रॉयडरी की गई है, बहुत ही प्यारी है। आई डोंट थिंक द कैमरा इज डूइंग जस्टिस, इतना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है, इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है, एज यू कैन सी करीब 3.5-4 inches की एम्ब्रॉयडरी है, इट लुक्स वेरी वेरी क्लासी। और इसका कलर कॉम्बिनेशन मतलब आई डोंट थिंक एनी बडी कैन से नो टू दिस कलर कॉम्बिनेशन, इतना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, टोटली लव इट। और इसका ये जो कपड़ा है इट इज लिटरली लाइक फेदर, इट इज सो सॉफ्ट, इतना मुलायम है, टोटली लव इट। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पीस एंड द फाइनल पीस।
So this is the next piece. It's the last and the final piece. And as you can see, again, it's a floral print hai. Now this is not a straight fit long kurta. This is not a anarkali long kurta. In fact, it is a kurti jo aap leggings pe ya jeans pe pehen sakte ho. It is a short kurti. And I think बहुत जमाने हो गए मैंने शॉर्ट कुर्ती पहनी नहीं है ऑन जीन्स. जब मैं कॉलेज में थी तब मैं कभी कभी शॉर्ट कुर्तीज पहनती थी ऑन जीन्स, एंड आफ्टर दैट पता नहीं क्या हो गया, आई जस्ट कम्प्लीटली स्टॉप्ड वेयरिंग शॉर्ट कुर्तीज. सो मैंने एक ये ले लिया. इसका जो स्टाइल है इट इज लाइक एन अनारकली स्टाइल, but you can wear it on your jeans, you can wear it on leggings, I think you can even wear it on a nice cotton sharara, बहुत ही प्यारा लगेगा, you know, or a nice palazzo, fitted palazzo, बहुत ही प्यारा लगेगा. तो सबसे पहले इसके नेक पे भी काफी सारी हैवी ड्यूटी एम्ब्रॉयडरी की गई है. द थ्रेड वर्क इज ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी. और इसके बैक पे भी एक डिसेंट साइज ऑफ मोटिव एम्ब्रॉयडर्ड किया गया है, और स्लीव्स पे बहुत थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, विच इज ओके, आई एम फाइन विद इट. यहाँ पे वेस्ट पे ये डोरी दी गई है. सो वंस यू वेयर इट, आप अपने वेस्ट के हिसाब से इस डोरी को पुल करके यू कैन जस्ट सिंज इट एट द वेस्ट एंड मेक इट अ लिटिल बिट ऑफ अ फिटिंग कुर्ता, और यू कैन जस्ट लीव इट एज इट इज. एज यू कैन सी, ये जो कुर्ता है ये भी वेस्ट पे अच्छे से फिटेड है, एंड वेस्ट के बिलो यहाँ पे बहुत सारी चुन दी गई है. सो दैट्स व्हाट गिव्स इट लाइक एन अनारकली काइंड ऑफ अ लुक. बट इसका जो कॉम्बिनेशन है ये है व्हाइट, एंड इसके ऊपर रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स है. एंड मैंने अभी देखा कि इसके घेरे पे भी काफी सारे फ्लावर्स एम्ब्रॉयडर की गए हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी की गई है, और इस टॉप के दामन पे भी पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है. देयर इज अ कंप्लीट थ्रेड वर्क, अच्छा 2.5-3 inch की एम्ब्रॉयडरी है, ऐसे पूरी बेल एम्ब्रॉयडर की गई है विथ व्हाइट थ्रेड. इट लुक्स सो नाइस. सो ये ऐसा स्टाइल मैंने बहुत सालों में पहना नहीं है. आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू वेयर दिस एंड स्टाइल दिस एंड शेयर इट विद यू गाइज. सो बस इसी के साथ दिस कुर्ती कुर्ता अनारकली क्लोथिंग हॉल कम्स टू एन एंड. मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को इन सब पीसेस में से सबसे अच्छा पीस कौन सा लगा, और मुझ पे सबसे अच्छा पीस कौन सा लगा. मुझे तो सारे के सारे पीसेस बहुत अच्छे लगे, एंड एज यूजुअल आई कैन नेवर मेक अप माय माइंड. सो जब मैं अपना माइंड मेकअप नहीं कर सकती हूँ कौन सा पीस लेना है, मैं अक्सर एक पैटर्न में 2-3 colors ले लेती हूँ, बिकॉज आई एम सो इनडिसाइसिव. आई कैन नॉट मेकअप माई माइंड कि मुझे कौन सा कलर लेना है. मुझे सारे के सारे कलर्स अच्छे लगने लगते हैं, एंड बहुत 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 टाइम के बाद मैंने कुर्तों की शॉपिंग करी. आई टोटली लव दीज पीसेस, एंड अगेन आई एम सो सॉरी दैट आई विल नॉट बी एबल टू शेयर द लिंक्स विद यू, बिकॉज आई परचेज दीज ऑफलाइन फ्रॉम अ लोकल एग्जीबिशन. और ये सारे के सारे पीसेस मैंने लिए हैं साइज 40 में. यूजुअली आई वेयर अ साइज 38, बट बिकॉज इट इज द समर्स और ये फैब्रिक इतना इजी ब्रीजी है, सो आई फील अ लूज फिटेड कुर्ता वुड लुक रियली रियली नाइस. दैट इज व्हाई आई वेंट अ साइज अप. आई पिक्ड अप ऑल दीज पीसेस इन अ साइज 40 बिकॉज आई वॉन्टेड अ लूज फिट, एंड आई एम सो हैप्पी विद माई डिसीजन. तो बस इसी के साथ इट इज टाइम फॉर मी टू टेक योर लीव ऑन दिस वीडियो राइट हियर. बट बिफोर आई गो आई वॉन्टेड टू क्विकली remind you that please do hit the subscribe button if you haven't subscribed to my channel, like my videos, share my videos. Jaldi milti hu aap logo se with a new video with a brand new vlog, but until then you know the drill, stay extra extra kind and be your own kind of beautiful. Bye.